दोस्तों आज के YouTube चैनल हमारे एल्ट्रो ऑफिसिंग में स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि बेड स्विच कैसे लगाएं और किस किन तारों पर लगाएं। दोस्तों कई लोगों को पता नहीं होता है कि बेड स्विच एक तार पर लगाई जाती है कि दो तार पर लगाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि बेड स्विच को किस तार पर लगाना चाहिए, कि न्यूट्रल के तार पर लगाना चाहिए, कि फेस के तार पर लगाना चाहिए। दोस्तों मैं आपका सब क्लियर डाउट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज नहीं भूलें। आप दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप दोस्तों एंड तक वीडियो को देख भी लेते हैं, आप दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों नहीं करते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताता हूँ कि बेड स्विच किस वायर पर लगाया जाता है और किस वायर पर नहीं लगाया जाता है। इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वायर है जो कि मेरे तेज क्षेत्र का वायर, ये मेरा एक होल्डर है और ये मेरा बल्ब है। ये मेरा बेड स्विच जो को मैं अभी फाड़ के दिखाता हूँ, मेरा बेड स्विच। ठीक है, मैं इसको बेड स्विच को फाड़ लूंगा। ये मैंने बेड स्विच फाड़ दिए, ये मेरा बेड स्विच है अभी। ठीक है दोस्तों, कई लोग क्या गलती करते हैं कि ये हमारा बल्ब एक बटन को भी किनारे करिए, ये बल्ब का तार इसमें लगा देते हैं और ये इसको इसमें लगा दिया और इसको डायरेक्ट लगा देते हैं बोर्ड पे, आपके मेन बोर्ड पे लगा देते हैं। अब दोस्तों हमारा बल्ब जलता रहता है परमानेंट, आप बंद करेंगे या फिर बंद करेंगे तो या फिर आप तार हटाइए या फिर प्लग हटाइए। तो दोस्तों कई लोग परेशान रहते हैं कि हम इसका बेड स्विच कैसे लगाएं, इसका बंद करने का ऑप्शन कैसे ढूंढें, तो वो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको कैसे लगाना है। ठीक है, अब इस तरह में आपकी आप चालू रखें तो आपका बिजली का बिल भी लग सकता है, परमानेंट चालू, कोई बंद करने वाला भी नहीं, कोई तार हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताने आया हूँ कि ये कैसे होगा। वीडियो रिजर्व कर दे। ठीक है तो दोस्तों मैं आपको वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि ये का डाउट कैसे क्लियर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होल्डर कैसे लगेगा। ये पर मैं बल्ब को किनारे का होल्डर लगाने के लिए सबसे पहले, ठीक है, ये आपको इसको खोलेंगे। ये आपने इसको खोला, ये इसके अंदर आपको तार करना है। ठीक है, और दोस्तों आपको इसमें गाठी जरूर मार लेनी है। ऐसे ही गाठी मारने से क्या होता है दोस्तों, कोई होल्डर का तार झिकेगा भी तो होल्डर का तार निकलेगा नहीं, होल्डर से पिन से नहीं निकलेगा। तो इसको मैंने डबल कर लिया, इसको भी आपको डबल कर लेना है। अब मैं बताता हूँ, इसको आप इसमें कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारा होल्डर है, ये हमारा होल्डर है, ये मैंने होल्डर का तार इसमें लगा लिया, ये मैंने एक वायर लगा लिया, दूसरा वायर लगा लिया मैंने। ये हमारा एक फेस का तार, एक न्यूट्रल का तार, ये हमारा रेड कलर का वायर फेस का है, दूसरा वायर न्यूट्रल का। इसको हम ऐसे लगा देंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे, ये लग गए हमारा। अब ये हम लग गए, अब इसमें बेड स्विच कैसे लगाते हैं, ठीक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें प्लग लगा देता हूँ, तो प्लग को आपको भी पता चला कैसे लगा देता। ये हमारा ये प्लग है, ये प्लग को आपको खोल लेना है ऐसे ही। ये ऐसे आपने प्लग खोला, ये इसमें एक पेंच ये होता है, एक इसकी नट ये होता है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है कि कहाँ। इसको मैंने खोल लिया, ये मेरा प्लग हो गया। ये हर घर में दोस्तों लगने वाली जरूरत है। दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज ना बोलो, और वीडियो को आने तक जरूर देखिएगा। मैं इसको वायर को छीन लेता हूँ, ये मैंने वायर को छीन लिया, ये मैंने वायर को छीन लिया, ये वाला भी हो गया मेरा ये। अब मैं इसमें बताता हूँ कि एक वायर हम इसमें लगा लेंगे रेड कलर। इसमें दोस्तों फेस न्यूट्रल की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी लगा सकते हैं। ये मैंने लगा लिया, ये दूसरा वायर भी मैंने लगा लिया, अब इसको हम पैक कर देंगे उसी तरीके जैसे हमने खोला था। ये हमने इसको लगा दिया, ये हमने इसको भी, ये हो गया, ये हमने लगा दिया। ये देखिए हमारा प्लग लग गया, ये होल्डर लग। अब इसमें बेड स्विच कैसे लगा है वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, तो आप घर पे नॉर्मली कर लेते होंगे। तो मैं इसमें बेड स्विच कैसे लगाता हूँ, ये देखिए आपका बेड स्विच है हमारा। बेड स्विच को कैसे खोलना दोस्तों, इसमें पेंच वाला सिस्टम नहीं है। किसी किसी बेड स्विच में आपने देखा होगा, बेड स्विच में पेंच का सिस्टम होता है, दो पेंच का सिस्टम होता है, किसी में एक और। मेरे में पेंच का सिस्टम नहीं है, मेरे में दोस्तों ये बगल में लॉक का सिस्टम है। मैं लॉक के द्वारा इसको ऐसे खोलूंगा, ये मेरा खुल गया, ये मेरा। ठीक है, आपको बढ़िया लगा होगा बेड स्विच। ये मैं इसके वायर खोल लेता हूँ दोनों, ये मैंने वायर खोल लिए। अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपके एक ध्यान से जीते, आप सोचिएगा, जो फेस का वायर हो जिसमें आपका टेस्टा जलता हो जिसको, ठीक है, उसी वायर में आपको
बेस्ट उसका तार लगाना है। ये मेरा एक तार आपको ऐसे ले लेना है, ये मैंने एक तार ले लिया, एक तार ये मैंने रेड का वायर फेस मान लिया है, जो कि आप फेस का फेसिंग लगाएंगे जिस बोर्ड पे, जिस पॉइंट पे आप लगाएंगे उसमें दो पॉइंट होते हैं, जिसमें आपको फेस का तार आ रहा हो उसमें आप रेड कलर का वायर लगाइएगा, ठीक है, और जिसमें न्यूट्रल आ रहा हो, जिसमें टेस्टर ना चल रहा हो उसमें न्यूट्रल कलर का वायर लगाइएगा। ये मैंने लगा लिया, ये मैंने बीच से तार काट लिया। सबसे बढ़िया आपको कुछ नहीं करना है, ये आपने लगाया, ठीक है, ये आपने लगा दी, मैं देखो इसमें आपको लगा के बताता हूँ, ये आपने लगाया, ये आपने लगाया, ये लगा लिया आपने। अब इसको वायर को ऐसे ऊपर कर देंगे और इसको लाख उसी तरह लगा देंगे जैसे हमने लाख को खोला था। ये देखिए लग गया। अब दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा बेडशीट सही तरीके से लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। ये मैंने होल्डर लगा लिया, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा होल्डर जल रहा है, ये हमारा प्लग लग गया, ये मैंने बटन से बंद किया, ये मैंने चालू किया, आप देख रहे होंगे कि एक बटन से चालू हो रहा है बंद हो रहा है, एक ही वायर से चालू हो रहा है। दोस्तों जो स्विच का कनेक्शन होता है वो एक ही स्विच से होता है, दोस्तों से कभी नहीं होता, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको जलना है इसी तरह आपको घर में बेड स्विच लगाना है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी वीडियो में डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा आपको बता दूंगा। देखिए जल रहा होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज ना भूले।